के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज चल रहा है उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके वो एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल दिल्ली पुलिस, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, उन लोगों के लिए शुरू किया गया है। और उसमें से काफी सारे टॉपिक कवर हो चुका है, आप प्लेलिस्ट विजिट करके आप क्लासेस कर सकते हैं। आज के जो टॉपिक है ये है सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है? तो देखिए, जो सिस्टम यूटिलिटी होता है ये कंप्यूटर का मेंटेनेंस करने में, कंप्यूटर को सपोर्ट करने में, इसके काम को एनहांस करने में, एक्सपेंड करने में और डेटा को सेव रखने में काम आता है। तो देखते हैं, चलिए कंप्यूटर का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो दिस प्रोग्राम से परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जब कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका मेंटेनेंस करने का काम ये करता है। दीज आर द पैकेजेस व्हिच आर लोडेड इनटू कंप्यूटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस टाइम आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम ये सारा पैकेज, मतलब क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पैकेज आपके कंप्यूटर में लोड हो जाता है। ठीक है, दीज आर यूज्ड टू सपोर्ट एनहांस एक्सपेंड एंड सिक्योर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको सपोर्ट करना, एनहांस करना, एक्सपेंड करना, मतलब काम की क्षमता को बढ़ाना, सिक्योर रखना, मतलब डेटा को सेफली रखना, ये सारा काम होता है किसका, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कुछ फंक्शंस होता है, तो चलिए देखते हैं वो फंक्शंस क्या-क्या है। जैसे कि डिसकंप्रेशन। डिसकंप्रेशन जो होता है वो क्या करता है, आपके फाइल के जो आपके जो डेटा होता है उस डेटा को कंप्रेस कर देता है। तो बड़ा अमाउंट के डेटा को एक छोटे जगह पर रखता है, इससे क्या होता है आपका जो स्टोरेज स्पेस होता है वो बढ़ जाता है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाता है आपके कंप्यूटर में। तो डिस्क कंप्रेशन है, इसका जो एग्जांपल है ये है आपका डबल डिस्क डबलर, उसके बाद सुपर स्टार प्रो, डबल डिस्क गोल्ड एक्सेट्रा, ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका डिस्क कंप्रेशन का एग्जाम्पल है। बाद है डिस्क फ्रेगमेंटर। जो डिस्क फ्रेगमेंटर होता है ये क्या होता है, क्राफ्टेड फाइल को मतलब डिटेक्ट करता है, खोजता है और उसको साइड करके आपका जो मेन फाइल है उसको सेव रखता है। में जो डिस्क फ्रेगमेंटर है इसका जो एग्जांपल है ये है माय डिफ्रेग, उसका डिस्क कीपर, डिफ्रेगलर, ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये होता है डिस्क फ्रेगमेंटर। नेक्स्ट है आपका बैकअप यूटिलिटीज। जो आपका कंप्यूटर है उसके डेटा को बैकअप लेना, मतलब क्या कि आपको मान लो कि रिस्टोर करना है, आपको फॉर्मेट करना है कंप्यूटर, तो आप चाहते हो कि आपका डेटा सेव रहे, तो डेटा को सेव करने के लिए आपको क्या करता है, डेटा का बैकअप लेना होता है। वो जो बैकअप लेते हैं ना, बैकअप यूटिलिटीज जो सॉफ्टवेयर होता है उसके द्वारा हम लोग बैकअप लेते हैं कंप्यूटर के डेटा का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर जो होता है ये आपके डिस्क को क्लीन करता है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर आता है बिच बिट क्लीनर एक्सेट्रा जैसे सॉफ्टवेयर आता है जो आपके जो डिस्क है उसको क्लीन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीवायरस। एंटीवायरस का नाम आप सभी सुने होंगे, इसका यूज आप सभी करते होंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर है या मोबाइल है तो जो आमतौर पर अभी सभी के पास है मोबाइल जैसे डिवाइस और साथ में कंप्यूटर भी है, तो उसमें आप एंटीवायरस जरूर यूज करते हैं। अपना जो डेटा है उसको सेव रखने के लिए, कंप्यूटर को सेव रखने के लिए एंटीवायरस यूज करते हैं। और जो एंटीवायरस होता है वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एग्जाम में काफी बार पूछ चुका है कि एंटीवायरस किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, तो एंटीवायरस यूटिलिटी टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, और इसमें जो एवीजी हो गया, मैकएफी हो गया, क्विक हिल हो गया, ऐसे एंटीवायरस जो एग्जांपल्स में आता है एंटीवायरस का, वो सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट आपका टेक्स्ट एडिटर। देखिए, टेक्स्ट एडिटर भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे नोटपैड हो गया, सारा सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपका जो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम आपका कंप्यूटर में लोड हो जाता है। एक बार एग्जाम में पूछ चुका है कि नोटपैड किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो नोटपैड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है एमएस वर्ड, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो एमएस ऑफिस के पैकेज में आता है। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होने के कारण सबको लगता है नोटपैड भी हो सकता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। और जो है वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट में जरूर बताएं।